हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजमाधव विद्या विहार ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 3 नसरुद्दीन वर्कबुक सॉल्यूशन। अब पार्ट वन हमने पहले कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 वर्कबुक का पेज नंबर 28 जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग विद एंड और बट, यहाँ तक हमने कम्प्लीट कर दिया था। अब उसके बाद से हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 29। राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट माय फेवरेट गेम। माय फेवरेट गेम हमारी क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आज हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पे कॉम्पो ही लिखना है। 10 सेंटेंसेस क्रिकेट के बारे में हमको लिखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर कॉम्पो। नंबर 1, इट इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्ड गेम। इट इज़ अ बैट एंड अ बॉल गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स विद 11 प्लेयर्स ईच। अब 11 प्लेयर्स, इसमें हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और टू टीम्स होती है, और ये गेम बैट और बॉल से खेली जाती है, आपको पता है, सो यू कैन राइट इजीली। नंबर 3, द बैट इज़ यूज टू हिट द बॉल एंड मेक रन्स। अब बैट जो है, बैट पे बॉल आता है और उसको थ्रो करते हैं बॉल को और रन बनाते हैं, इस तरह से ये गेम खेली जाती है। इट इज़ प्लेड इन स्टेडियम और इन अ बिग ग्राउंड। या तो स्टेडियम में खेली जाती है या तो बड़ा सा ग्राउंड होता है वहाँ पे ये गेम खेली जाती है। सेंटर ऑफ द ग्राउंड इज़ कॉल्ड पिच। अब पिच होती है जो एकदम सेंटर में होती है, जहाँ पे बैट और बॉल के प्लेयर्स दोनों खड़े होते हैं, उसको पिच बोलते हैं। नंबर 6, द बैटिंग टीम हैज़ ओनली 2 प्लेयर्स इन द फील्ड। जो बैटिंग टीम होती है उसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं फील्ड में, मतलब जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं उस टाइम पे बैटिंग टीम के ओनली 2 ही प्लेयर्स होते हैं। बाकी जो बॉलिंग टीम होती है उसके सारे प्लेयर्स स्कैटर्ड अलग अलग जगहों पे खड़े होते हैं। तो द बैटिंग टीम हैज़ ओनली 2 प्लेयर्स इन द फील्ड वाइल ओपोनेंट्स आर स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड। स्कैटर्ड यानी फैले हुए खड़े होते हैं। नंबर 7 है, बिफोर स्टार्ट ऑफ द गेम ए कॉइन इज टॉस्ड बाय कैप्टन्स ऑफ द बोथ टीम। जो वो दोनों टीम के कैप्टन्स होते हैं, सबसे पहले कॉइन उछाल के टॉस करते हैं, उसमें से डिसाइड होता है कि फर्स्ट वाली कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी बॉलिंग करेगी। नंबर 8, ICC गवर्न्स क्रिकेट इन द होल्ड वर्ल्ड। अब ICC एक इंस्टीट्यूट है क्रिकेट का, जो पूरी वर्ल्ड में जो क्रिकेट टीम्स बनती हैं, कहाँ पर कौन सी गेम खेली जाएगी, कौन से ग्राउंड पे ये गेम खेली जाएगी, वो सब डिसाइड करती है। वो इंस्टीट्यूट का नाम है ICC, ऑर्गेनाइजेशन है पूरी क्रिकेट की वो। नंबर 9, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर गेम इन ऑल ओवर इंडिया। पूरी इंडिया में बहुत पॉपुलर है क्रिकेट गेम और बहुत ओल्ड भी है, बहुत पुराने टाइम से ये खेलती आ रही है। नंबर 10, आई लाइक दिस गेम वेरी मच। मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगती है। चलो अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स और गेम्स के नेम्स हमको बताने हैं। ऊपर नेम्स लिखे हुए हैं, नीचे फोटो है, फोटो में से आपको नेम लिखना है। फर्स्ट वन पिक्चर है आर्चरी, यू कैन सी हियर, उसके बाद है हॉकी, फिर है फुटबॉल। पिक्चर में से ही आपको नेम्स का पता चल जाएगा। उसके बाद स्विमिंग है, फिर चेस, फिर साइकिलिंग, देन नेक्स्ट है बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो। दीज 12 पिक्चर्स आर देयर एंड वी कैन राइट द 12 नेम्स ऑफ ईच पिक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज वी कैन सी हियर, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। पोएम हमको रीड करनी है और उसके क्वेश्चन आंसर हमको लिखने हैं। अब पोएम में क्या है, व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग एंड रॉबिन बर्ड हैज़ सीज्ड हिज सॉन्ग, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले। अब यानी यहाँ पे समर सीजन का डिस्कस किया हुआ है। एकदम जो दिन होते हैं एकदम हॉट एंड लॉन्ग होते हैं, और रॉबिन बर्ड ये इसमें दिखाई देता है समर सीजन में, वो अपने सॉन्ग्स गाता है। गार्डन में जाओ तो वहाँ पे बर्ड्स की बहुत सारी चीपिंग सुनाई देती है। उस टाइम पे जब गर्मी होती है बहुत, तो पोइट क्या बोल रहा है कि मैं डेली स्विमिंग के लिए जाता हूँ एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे प्ले करने का। नेक्स्ट है, आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट।
मैं एकदम डाइव करता हूँ ऊपर से नीचे और उसमें फिर फ्लोट भी करता हूँ एंड इजीली एज इजीली एज डज अ बोट। बोट कैसे फ्लोट करती है उस तरह से मैं भी फ्लोट करता हूँ, बिल्कुल हाथ पैर चलाए बिना स्विमर्स कैसे होते हैं वैसे मैं फ्लोट कर सकता हूँ। आई स्प्लैश एंड प्लंज एंड लाफ एंड शाउट। स्प्लैश यानी पानी में ऐसे हाथ मार के पानी उछाल के दूसरों पे डालना, प्लंज करते हैं जोर जोर से मजा करते हैं, लाफ करते हैं, शाउट करते हैं, टिल डैडी टेल मी टू कम आउट, जब तक मेरे डैडी मेरे पापा मुझे नहीं बोलते कि बाहर आ जाओ तब तक मैं अंदर मजा करता ही रहता हूँ। इट्स टू मच सून आई वुड लाइक टू क्राई, और बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मैं रोने लगता हूँ, मेरी इच्छा होती है रोने लगता हूँ नहीं मेरी इच्छा होती है कि मैं रोऊँ कि मुझे बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। फोर आई कैन सी द डक्स गो बाय, फिर मैं डक्स को देखता हूँ तो वो कैसे पूरा दिन स्विमिंग करती रहती है, उनको कोई बोलने वाला नहीं होता कि निकलो बाहर। एंड डैडी डक हाउ आई लव हिम, डैडी डक है उसको तो मुझे वो तो मुझे बहुत पसंद है। ही लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम एंड स्विम, वो अपने बच्चों को सिर्फ बोलता है कि स्विमिंग करते रहो उनको कभी नहीं बोलता कि बाहर आ जाओ। आई फील दैट आई वुड बी इन लव इफ ओनली आई कुड बी अ डक, वो क्या बोलता है मैं ऐसा मैं बहुत लकी समझूंगा अगर मैं डक होता तो, क्योंकि मुझे पूरा दिन स्विमिंग करने मिलता, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, पूरा दिन पानी में बैठ के मजे करता, तो मैं डक होता तो मैं समझता कि मैं लकी हूँ। चलो नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स। नंबर वन है विच सीजन इज़ द बॉय टॉकिंग अबाउट, बॉय किसके सीजन के बारे में बात कर रहा है, द बॉय इज़ टॉकिंग अबाउट द समर सीज़न। ओके नंबर सेकेंड व्हाट इज़ द बॉयज डेली एक्टिविटी, द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग। ओके व्हाट डज द बॉय डू व्हाइल स्विमिंग, स्विमिंग के टाइम वो क्या करता है, द बॉय डाइव्स फ्लोट्स स्प्लैशेस प्लंज लाफ्स एंड शाउट व्हाइल स्विमिंग, वो हमको ऊपर से देखना है पैराग्राफ में और हमको ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी यहाँ पे लिखनी है। फिर आएगा नंबर फाइव सॉरी नंबर फोर, हाउ डज द बॉय फील व्हेन हिज फादर आस्क्स हिम टू स्टॉप स्विमिंग, जब उसके फादर उसको बोलते हैं कि स्विमिंग स्टॉप करो तब उसको कैसा फील होता है। व्हेन द बॉयज फादर आस्क्स टू स्टॉप स्विमिंग ही फील्स लाइक टू क्राई, उसको ऐसा फील होता है कि मैं रोऊं। Why does the boy like daddy duck more than his own daddy? अपने daddy से ज़्यादा daddy duck क्यों उसको अच्छा लगता है? The boy like daddy duck more than his own daddy because he lets his children swim for a long time. क्योंकि daddy duck क्या होता है अपने बच्चों को बहुत देर तक swimming करने के लिए बोलता है, उनको मना नहीं करता है। चलो number सिक्स है what does the boy wish to be, boy को क्या बनना है, the boy wish to be a duck. The boy wishes to be a duck. Okay, यहाँ पे boys नहीं आएगा, sorry boy आएगा, हाँ एस नहीं आएगी। चलो next है question number सेवन, वो next page पे है, turn the page. Now turn page, you can see here सेवन number question. Why does the boy want to be a duck? Boy को duck क्यों बनना है? The boy wants to be a duck because the daddy duck allows his children to swim फॉर लॉन्ग टाइम, जो डैडी डक है वो अपने बच्चों को लेट तक स्विमिंग करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है ना। क्वेश्चन नंबर एट राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम में से राइमिंग वर्ड्स हमको ढूंढने हैं और लिखने हैं, तो राइमिंग वर्ड्स में देखो लॉन्ग सॉन्ग डे प्ले प्लॉट बोट शाउट आउट क्राई बाय हिम स्विम लक डक, ये सारे हमको पोएम में से ही ढूंढने हैं, हमको कुछ भी लर्न नहीं करना है। देखो यहाँ पे है लॉन्ग सॉन्ग, फिर डे प्ले, फिर प्लॉट बोर्ड शाउट आउट क्राई बाय हिम स्विम लक डक, आगे सारे तो सारे हमको पोएम में से ही लिखने हैं। चलो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन राइट द फॉलोइंग, फॉलोइंग जो वर्ड्स हमको लिखने हैं क्या है, जैसे पूछा हुआ है हमको उस हिसाब से आंसर लिखना है। नंबर वन है थ्री इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में चेस लूडो कैरम, आप अपने मन से कोई भी दूसरी लिख सकते हो। नंबर टू है थ्री आउटडोर गेम, क्रिकेट हॉकी बास्केटबॉल, तो आप दूसरे कोई आपको अच्छी लगती है तो वो भी लिख सकते हो, फुटबॉल लिख सकते हो, वॉलीबॉल लिख सकते हो, इसमें खो खो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। आउटडोर गेम्स बहुत सारी हैं, मैंने थ्री चूज़ किया, आप कोई भी थ्री चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है थ्री गेम्स प्लेड बाय अ टीम, टीम बना के जो खेलते हैं, तो खो खो है टीम बना के खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इनमें टीम्स होती है। अब चेस है, चेस में तो दो ही पर्सन खेलेंगे, उसमें टीम नहीं होती। लूडो में टीम नहीं होती है, कैरम में टीम नहीं होती है, वन वन पर्सन करके खेलते हैं, तो जिसमें टीम होती है वो थ्री गेम्स का नाम हमको यहाँ पे लिखना है।
चलो क्वेश्चन नंबर फोर है, थ्री गेम्स प्लेड बाय अ बॉल, सिर्फ बॉल से खेली जाती हो, लूडो खेलते हैं बॉल से? नहीं खेलते। तो जो बॉल से गेम खेली जाती है उनके नाम लिखने हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, वो भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो ये हो गई हमारी बॉल वाली गेम्स। चलो अभी नेक्स्ट पेज हमारा है, यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल है, हमको फाइंड आउट करनी है वर्ड्स। वर्ड्स देखो साइड में लिखे हुए हैं, बॉक्सर, तो अंदर हमको बॉक्सर ढूंढना है, फिर स्केटर, तो स्केटर ढूंढना है। यहाँ पे जो गेम खेलते हैं ना पर्सन, वो पर्सन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे क्रिकेट खेलता है उसको बोलते हैं क्रिकेटर, गोल्फ खेलता है उसको बोलेंगे गोल्फर, बॉक्सिंग करता है उसको बोलते हैं बॉक्सर, शूटिंग करता है तो उसको बोलते हैं शूटर, स्केटिंग करता है उसको बोलेंगे स्केटर। तो यहाँ पे वो सारे पर्सन के नेम लिखे हैं, वो पर्सन के नेम हमको अंदर से फाइंड आउट करने हैं। तो बॉक्सर, तो यहाँ पे बॉक्सर हम अंदर ढूंढेंगे, फिर स्केटर है, फिर गोल्फर, जिमनास्ट, शूटर, शूटर के बाद आएगा इसमें स्विमर, फिर स्प्रिंटर, रेसलर, क्रिकेटर, वेट लिफ्टर। तो ये हो गया हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म। अब हम जल्दी मिलेंगे, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 4 पोएम एंड लेसन बोथ। ओके, टिल देन बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।